नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित, इसमें मौत की सजा का प्रावधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में विलय का फैसला किया। एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में करीब 2000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी। और जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय आज सिंगल्स के दूसरे दौर में खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा में वृद्धि और मौत की सजा का प्रावधान है। बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने वालों को 5 वर्ष की कारावास और जुर्माना होगा। ये अपराध बाद में भी दोहराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। विधेयक में बच्चों के अश्लील चित्रण में ऐसी सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जो किसी बच्चे के फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर से तैयार किए गए चित्रों के माध्यम से यौन व्यवहार दिखाता हो। 16 साल से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को 20 साल कैद की सजा दी जा सकेगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा। गंभीर यौन शोषण के मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन प्रताड़ना के लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने 1023 त्वरित अदालतों के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने इन अदालतों के गठन की सहमति दे दी है और इन्हें 2 वर्षों में गठित कर दिया जाएगा। हमने सुनिश्चित किया है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए 7 अरब 67 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ताकि वर्ष 2019-20 और 20-21 तक की अवधि में ये अदालतें गठित हो जाएं। इस धनराशि में से 4 अरब 74 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। लोकसभा में अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक 2019 पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य फर्जी जमा योजनाओं पर रोक लगाना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था करना है। इस विधेयक में जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों की परिसंपत्तियां जब्त कर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाने की व्यवस्था की गई है। इसमें 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कड़ी सजा और 2 लाख रूपये से लेकर 50 करोड़ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान का ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये विलय दोनों संस्थानों के लिए लाभदायक होगा। इससे दोनों की साधन सुविधाएं और विशेषज्ञ इकट्ठा काम करेंगे और शोध भी दोनों को बहुत अच्छे तरीके से होंगे। मुझे लगता है सुशासन की यह महत्वपूर्ण पहल है और इसलिए मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट, इसी का ये एक पार्ट है। मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने आधार को पहचान कर दस्तावेज बनाने का निर्णय किया है, ताकि लोग सब्सिडी का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकें। देश भर में करीब 1 अरब 28 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक विधेयक पारित कराने के लिए अपने सभी सांसदों को 3 पंक्ति का व्हिप जारी किया है और उन्हें आज लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार संसद के वर्तमान सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती है। पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों से भी 3 पंक्ति का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है। राज्यसभा में आज दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध है। एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में बिजली उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए 1925 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है।
त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के एशियाई विकास बैंक से सहायता के अनुरोध पर यह धनराशि हाल ही में स्वीकृत की गई। ये परियोजना 63 मेगावाट की रोखिया परियोजना की क्षमता बढ़ाकर 120 मेगावाट करने और गुमटी जल विद्युत परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों की न्यूनतम मजदूरी दोगुनी कर दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री संजय कुटे ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के 10 लाख दुकानों तथा दफ्तरों में काम करने वाले करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को इस फैसले से फायदा होगा। 1948 के न्यूनतम वेतन कानून के तहत 5 सालों में एक बार न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है, पर तकनीकी कारणों की वजह से पिछले 9 सालों से न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया जा सका। राज्य सरकार का ये फैसला कल से लागू हो गया है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में आज से भारी बारिश की चेतावनी दी है। कोंकण और गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम बंगाल के गंगा मैदान में भी सामान्य से भारी वर्षा हो सकती है। बिहार सरकार ने नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के मद्देनजर बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और अधवारा की सहायक नदियों में जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। दरभंगा में शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक जबकि सीतामढ़ी में 27 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में रविवार को दिन में 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। आप MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर संदेश भेज सकते हैं। कार्यक्रम के पिछले कुछ संस्करणों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ से अधिक वंचित और गरीब परिवारों को फायदा होगा। 2018 में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई। विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को गरीबी से मुक्ति दिला रहा है। देशवासियों के अडिग संकल्प से स्वच्छता कवरेज बढ़कर के 95% को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से अब तक 33 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। करगिल विजय दिवस पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने वाले भारतीय सेना के जवानों को याद करने का दिन है। इस युद्ध में बड़ी संख्या में बिहार के जवान शामिल थे। दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों की ऐसी शौर्य गाथा लोगों को प्रेरणा देती है। एक रिपोर्ट। करगिल युद्ध के समय जो लोग युद्ध के मोर्चे पर तैनात थे वे आज भी गर्व से भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और साहस को याद करते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में भोजपुर निवासी एक पूर्व सैनिक सुरेश सिंह ने बताया कि तोपों के साथ उनमें भारी उत्साह था। हमारा यूनिट कारगिल एरिया में था और हमारे पास बोफोर्स गन थी और उस एरिया में 18 गन हमारा डिप्लॉयमेंट था और पाकिस्तान का मुंह तोर जवाब दे रहे। श्री सिंह करगिल युद्ध के बाद से सेना के आधुनिकीकरण, हथियारों और युद्ध की रणनीति में आए बदलावों से काफी संतुष्ट दिखते हैं। पहले से सेना के युद्ध करने की जो हथियारे हैं वो काफी दुरुस्त है और विशेष जितना भी है उनके रख रखाव, देख रेख फर्स्ट क्लास है पहले से। करगिल युद्ध विजय दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अमरीका में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगभग 30 से 40 हजार हथियारबंद लोग हैं। इन्हें अफगानिस्तान या कश्मीर में प्रशिक्षण मिला है और वहां लड़ाई लड़ी है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने देश में सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में अमरीका को सच नहीं बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृहमंत्री नियुक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने पूर्व गृह मंत्री साजिद जावेद को वित्त मंत्री और डोमिनिक रॉब को विदेश मंत्री बनाया है। प्रीति पटेल ब्रेग्जिट के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री टेरिजा मे के सबसे मुखर आलोचक रही हैं। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के हितों की समर्थक प्रीति पटेल को तत्कालीन डेविड कैमरन सरकार में प्रसिद्धि मिली थी। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सिंगल्स के दूसरे दौर में खेलेंगे। सिंधु का सामना जापान की आया ओहोरी और प्रणय का मुकाबला डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा। साई प्रणीत भी दूसरे दौर में जापान की कांता सुनेयामा के साथ खेलेंगे। निखत जरीन और दीपक सिंह सहित छह भारतीय मुक्केबाज थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आशीष मंजूरानी, ब्रजेश यादव और मोहम्मद हसमुद्दीन ने अंतिम चार में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद बिमलेंदु। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में संशोधन को लोकसभा की मंजूरी, अखबारों की बड़ी खबर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कानून में धार, आतंक पर प्रहार, आतंकवाद संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया में आएगी तेजी। दैनिक जागरण की खबर है, तत्काल तीन तलाक पर आज हो सकता है लोकसभा में विचार, भाजपा ने जारी किया व्हिप, आज ही पारित कराने में जुटी सरकार। उधर सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ की बैठक, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं हुए शामिल। पाकिस्तान में अब भी 30 से 40 हजार आतंकियों की मौजूदगी पर जनसत्ता की टिप्पणी है, आतंक पर इमरान का कबूलनामा। हिंदुस्तान की खबर है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में बड़ी राहत की तैयारी, जीएसटी परिषद की बैठक में आज फैसला संभव। नवभारत टाइम्स ने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर नगर निगम की कचरा कैफे योजना का उल्लेख किया है, प्लास्टिक कचरे के बदले गरीब लोगों को उसी वजन का मिलेगा भोजन। करगिल विजय दिवस पर दैनिक भास्कर ने भारतीय सैनिकों की उच्च नैतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए लिखा है, करगिल में पाकिस्तान ने अपने मृत सैनिकों को पहचानने से इनकार किया तो भारतीय सैनिकों ने सम्मान के साथ अपनी जमीन पर दफनाई दुश्मन, देखकर विदेशी रह गए हैरान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित, इसमें मौत की सजा का प्रावधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में विलय का फैसला किया। एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में करीब 2000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय, और भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृहमंत्री बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।